एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, अपना मांग भर रही थी। हनुमान जी देख रहे थे कि मैया प्रतिदिन यहां से लेकर यहां तक मांग भरती हैं, लाल लाल सिंदूर। तो कौतूहलवश एक दिन मैया से पूछा कि मैया तू ये मांग क्यों भरती है? तो मैया ने कहा, मैं प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए ये मांग भरती हूँ, इसके भरने पर प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भक्त हैं, निष्काम हैं, और निष्कामता का सिद्धांत है अपने स्वामी को प्रसन्न रखना, उनकी रुचि में रुचि रखना। तो हनुमान जी ने सोचा, अच्छा सिंदूर लगाने से यदि राम प्रसन्न होते हैं तब तो फिर क्या बात है। उन्होंने पूरा डिब्बा ही ले लिया सिंदूर का और अपने पूरे अंग में सिंदूर डाल लिया। उधर से प्रभु राम आ रहे थे, उन्होंने अपने बालक को देखा और अट्टहास की हंसी हंसी, अरे ये क्या तू पूरा लाल लाल, क्या हुआ है तुझे, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं हुई, मुझे मैया ने कहा है कि सिंदूर लगाने से प्रभु राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने सोचा यदि यहां से यहां तक मैया लगाती हैं तो आप उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं, तो मैं पूरे ही अंग में लगा लेता हूं ताकि आप सदा मेरे जीवन पर्यंत प्रसन्न रहें और मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करता रहूं। उसी क्षण प्रभु राम ने कहा, अरे तू क्या जीवन की बात करता है, जा तू सदा विद्यमान रहेगा धरती पर, मृत्यु तुझे छू ना पाएगी। इसलिए हनुमान जी का आवागमन नहीं है, वो सदा विद्यमान है जगत में। हाँ सही आंख वालों को दिखाई पड़ते हैं लेकिन है उपस्थित। प्रभु राम ने कहा, एक दिन की बात है, हमेशा सेवक सेव्य के साथ है, हर प्रकार की सेवा करता है, प्रभु हमेशा विभोर रहते हैं। तो जो और भी दरबारी थे और भी जन थे उनको बड़ा बुरा लगता था, भाई सेवा तो हम भी करते हैं, ऐसा ही थोड़ी है कि केवल हनुमान ही सेवा करते हैं, हम भी तो सेवा करते हैं लेकिन हमारी कोई विशेष प्रशंसा नहीं होती और हनुमान को तो प्रभु ने सिर चढ़ा रखा है। तो एक दिन सब के सब पहुंच गए मैया के पास और सीता मैया से कहा कि आज फैसला होना चाहिए, सेवा हम भी करते हैं, सेवा हनुमान भी करता है लेकिन प्रभु हमेशा हनुमान की तरफदारी करते हैं, हमारी तो कभी प्रशंसा होती नहीं, तो सेवा बदल देनी चाहिए, सेवा बदलनी होगी, ये हमेशा साथ नहीं रहेगा, इसको पास की सेवा ना दी जाए, हनुमान को पास की सेवा ना दी जाए। प्रभु राम ने हनुमान से कहा, जब सब शिकायत कर रहे हैं और साक्षात किशोरी जू आकर मुझे कह रही हैं तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की। अतिशय प्रिया है वो, उनकी बात टाली नहीं जा सकती, आदि शक्ति है वो, योग माया है वो, पालन करता है वो, सृष्टि करता है वो, और अतिशय प्रिया है करुणा निधान की। तो प्रभु ने कहा, भाई यदि किशोरी जी ने आके कहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते, हनुमान तुमको हम दूसरी सेवा में रखते हैं।
हनुमान जी ने कहा आप मुझे कोई भी सेवा में मत रखिए प्रभु, मैं आपकी किसी सेवा में नहीं रहूंगा। यदि इन सबको इतनी शिकायत है मुझसे तो मैं आपकी कोई सेवा में नहीं रहूंगा। अब सब बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा है ये जो डोलता फिरता रहता था साथ साथ अब ये रहेगा ही नहीं प्रभु राम के साथ। अब सबको अलग अलग सेवा मिल गई, पास पास की, किसी को अंदर कमरे की, बाहर कमरे की, किसी को झाड़ू की, किसी को कुछ। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो चतुर होता है, लेकिन जो भक्त होता है ना वो महाचतुर होता है। अस विचारी जे परम सयाने, जो भक्त होते हैं वो परम सयाने होते, परम परम सयाने ही नहीं परम सयाने। बुद्धि एक्स्ट्रा काम करती है, क्यों? क्योंकि बुद्धि को तो दे दिया भगवान को, तो भगवान ही अंदर से उनको प्रेरित करते रहते हैं, तो उनके पास बुद्धि का बल भगवान का ही होता है। तो अंदर से प्रेरित कर दिया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु बस मैं ये चाहता हूं कि मैं एक छोटी सी आपकी सेवा कर दूं। प्रभु ने कहा कहो कौन सी? प्रभु ऐसा है जब आपको जम्हुआई आएगी ना, जम्हुआई जानते हैं ना, जानते हो? जब सोने से पहले उवासी आती है, आलस्य आता है, तो हम मुंह खोलते हैं ना आ करके, उसको कहते हैं जम्हुआई लेना। तो जब आपको जम्हुआई आएगी जिस समय प्रभु, बस मैं चुटकी बजा दूंगा। महाराज जी ने भी एक पंक्ति बनाई है ना किशोरी जी के लिए कि मुझे ये सेवा दे देना कि जब तुम्हें जम्हुआए तो मैं, जम्हुआई आए तो मैं चुटकी बजा दूं। तो हनुमान जी ने कहा कि जब आपको जम्हुआई आए प्रभु तो मैं चुटकी बजा दूंगा। प्रभु ने कहा ठीक है। अब हनुमान जी साथ साथ, इतने साथ साथ कि बेडरूम में भी घुस गए, शयन कक्ष में, अंतःपुर में जहां सियाराम दोनों हैं वहीं पलंग के पास बैठे हैं। सीता जी ने कहा तुझे कहा था ना कोई अंतरंग सेवा में नहीं रहना, तू साथ साथ नहीं रहेगा, तू यहां कैसे? हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं, वो बातें ही कुछ ऐसी है, अब वो मेरी सेवा ही कुछ ऐसी है। क्या सेवा है तेरी? वो सेवा ऐसी है कि जब प्रभु राम को जम्हुआई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। हाँ तो जब आएगी तब बजा लेना, सीता जी ने कहा। अरे तो यही तो पता नहीं है वो कब आएगी, वो तो पता नहीं कब आएगी, तो इसीलिए मैं सब समय साथ रहता हूं, जब आएगी तब मैं चुटकी बजा दूंगा, है ना? वो तो पता नहीं है कब आएगी, इसीलिए वो 24 घंटे साथ में है। तो इस प्रकार से उन्हें निकाला भी गया तो भी वो अपनी सेवा में पूरे ज्ञान से, बुद्धि से साथ साथ ही रहे। और किशोरी जी को बड़ी हंसी आई, उन्होंने कहा अब तक तू बेडरूम में नहीं आता था, ऐसी सेवा तूने ले ली कि तू बेडरूम में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, शयन कक्ष में भी पास में, लाडला बेटा है। विभोर होकर एक बार सीता मैया ने हीरे का और मोती, हीरे मोती लगे थे, वो माला हनुमान जी को उपहार रूप में दी, और भी सारे बंदर थे वहीं, उनको भी वो उपहार मिला, लेकिन इनको हीरे और मोती का उपहार मिला हनुमान जी को। तो बाकी सब ने, दास ने तो वो उपहार को सीने से लगा लिया, लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं, वो हीरा जो है उसको दांत से तोड़ तोड़ के दो भाग में अलग करके फेंकते हैं, फिर हर हीरे को दांत से तोड़ते हैं, दो भाग करते हैं, फेंकते हैं। सीता मैया को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा वत्स तू ये क्या कर रहा है, मैं तुझे
अपनी माला उपहार रूप में दे रही हूँ, मैंने अपनी तुझे उपहार रूप में दी और तू उसे दांत से तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। नहीं मैया, मैं तो दो भाग करके ये देख रहा हूं कि ये हीरा जड़ है या इस हीरे में सियाराम विद्यमान है। यदि इनमें सियाराम है तो मैं इसे रखूं, यदि इसमें सियाराम नहीं है तो ऐसा धन ऐसा हीरा मेरे किस काम का। मुझे तो सियाराम इसमें दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए मैं इसको फेंक रहा हूं। तो और जितने दास थे उन सब ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारे सियाराम है कहाँ? यदि जड़ में सियाराम नहीं दिख रहे तुमको इस हीरे माणिक मोती में, तो वो है कहाँ? तब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया कि मेरे सियाराम नित्य मेरे हृदय में निवास करते हैं। इसीलिए ऐ जगत के जीवों, ये भौतिक पदार्थों के पीछे ना भागो। ये धन धान्य, ये माणिक मोती, ये असली धन नहीं है। इसके पीछे दौड़कर अपने अमूल्य समय को मत गवाओ। असली धन तो सियाराम है। उन्हें अपने हृदय का हार बनाओ, उन्हें अपना आभूषण बनाओ, उनको हृदय में स्थापित करके अपने आप को सुसज्जित करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी सब नश्वर वस्तुएं तो यही मृत्यु के पश्चात धरी की धरी रह जाएंगी। ये शरीर भी हमारा नहीं, फिर ये जगत क्या हमारा? इस बात को स्पष्ट करने के लिए हनुमान जी ने सीता जी द्वारा दिए गए उपहार में भी ये स्पष्ट किया कि यदि उसको केवल हीरा मानते हो तो वो तुम्हारे कोई काम का नहीं, उसको यदि महाप्रसाद मानते हो तब वो काम का है। गुरु आपको माला पहनाता है, आप माला पहन लेते हैं और कुछ दिन के बाद उतार के धर देते हैं, कभी सोचा भी नहीं, तो कोई लाभ नहीं, आपने उस प्रसाद का महत्व ही नहीं समझा। और यदि महत्व समझ लेंगे तो एक दिन वो माला गुरु ने प्रेम से दी थी, बस इस एक चिंतन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि देने वाला सर्व समर्थ, उसने प्रसाद दिया, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो सब कुछ निर्भर करता है हम कितना महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने पूरे रामलीला में एक निष्काम भक्ति का ही दर्शन कराया है। ऐसे हनुमान जी को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और हम हनुमान जी से उनके श्री चरणों में ये निवेदन करते हैं, जैसे उन्होंने अपने प्रभु की निष्काम भक्ति की, ऐसे ही वो कृपा करें और हमारी भी हरि गुरु के लिए ऐसी ही निश्चला निर्भरा निष्काम भक्ति जागृत हो और हरि गुरु के कृपा द्वारा वो निर्भरा भक्ति प्राप्त हो और एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बोलिए हनुमान।